और उधर 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद ही शिवसागर जिले की छात्रा रजनी शाह लापता है। संदेह जताया जा रहा है कि परीक्षा के परिणाम के डर से छात्रा दिखो नदी में कूद गई है। वहीं घटना के बाद शिवसागर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नदी में किशोरी की तलाश कर रही है। दीदी सुबह से नहीं है, 5 बजे करीब में बाहर निकल के गया और एक आंटी ने देखा था उनको जाते हुए बाहर करीब में 5 बजे करीब में बोर्डिंग फील्ड की तरफ। और उन्होंने 2 सैंडल लिया था, एक हाथ में लिया था, एक पहन के जा रही थी और एक सैंडल दिखो ब्रिज के ऊपर रखा हुआ है और एक सैंडल पहन के शायद कहीं गई है। तो पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है कि नहीं? दे दी है, पुलिस छानबीन कर रही है। हाँ, आज उच्चतर माध्यमिक के परिणाम घोषित के बाद शिवसागर की बिटिया रजनी शाह लापता है और आज हम खड़े हैं शिवसागर डिखो पुल में। तो और ये पुल में हमारे साथ मौजूद है रजनी शाह की एक दोस्त, तो उसे जानना चाहते हैं कि वो इस कांड के बारे में क्या जानता है। मतलब सुबह मेरे को फ़ोन आया, उसका दोस्त फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो मेरे को निकल गया तो बोला तुम निकल क्या हो, बोलिए कि ब्रिज से कूदा वाले सुसाइड नोट मिला। तो मैं आया तो यहाँ से जाके देखा तो मेरे को कोई दिखा नहीं बस, तो फिर मैं यहाँ से गया, फिर मैं आपका मंदिर के पास जाके देख लिया, फिर आपका स्टेशन के पास जाके देखा पर कुछ नहीं पता चला। फिर वापस आके देख के गया कि वापस आते वो इधर से उधर कहीं से भी आ सकती है, रास्ता बहुत सारे, तो आके मिला कोई नहीं। फिर मैं एक बार राउंड में आके फिर गया वहाँ से देखने ये वाला रास्ते से, फिर वहाँ से भी कोई मिला नहीं। तो फिर वापस जा रहा था सेंटर मार्केट की तरफ, उसके बाद उसकी मम्मी और दोस्त मिला, तो हम बोला जाके आप। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शिवसागर से संवाददाता शुभम अग्रवाल जी। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे इस किशोरी के बारे में ज्यादा जानकारी, और जैसा कि अभी मौसम है वहां पर दिखो नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है, कितनी मुश्किलें आ रही हैं अभियान टीम को? जी दुलुमोनी जी, यहाँ के जो बाढ़ की जो अभी जो परिस्थिति है उसको देखते हुए एसडीआरएफ और यहाँ के जो अन्य बचाव दल है शिवसागर पुलिस प्रशासन के साथ, उनका कहना है कि रजनी को अभी ढूंढना और मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बाढ़ की परेशानी बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ के लोकल दल संगठन एवं उसके घर वालों और उसके दोस्तों का कहना है कि रजनी बहुत ही स्ट्रांग थी और यह कदम वो उठाएगी यह सोचना भी उनके लिए उचित नहीं था। जी शुभम, तो फिर क्या छात्रा के परिवार वालों ने या किसी और ने कुछ और संदेह जताया है? लेकिन खबरें ये भी हैं कि अपुष्ट खबरें हैं कि सुसाइड नोट भी किशोरी ने छोड़ा है, क्या कहेंगे? सुबह 5 बजे किशोरी ने सुसाइड नोट घर पे छोड़ा, बस इतना ही उसमें लिखा गया था कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। और ये सुसाइड नोट मिलते ही उसके घर वालों और दोस्तों ने उसे शिवसागर नगर में ढूंढना शुरू किया, लेकिन लास्ट में जाकर वो डिखो ब्रिज के सामने उन्हें उसके एक सैंडल मिली और तभी पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस अपनी जांच जारी रख रखी है। जी शुभम, एक बार और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मौसम है वहां पर डिखो नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है, अभियान टीम को कितनी मुश्किलें हो रही है वहाँ तलाशी अभियान में? अभी जैसे लगभग आधे घंटे पहले तक शिवसागर नगर में बहुत जोरदार बारिश भी थी और बाढ़ की कहर की वजह से वो कई दूर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं रेस्क्यू टीम, लेकिन फिर भी खोज जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमसे जुड़ने के लिए और जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि एक तरफ जहां 12वीं के नतीजे आज घोषित हुए हैं, इस बीच शिवसागर जिले की छात्रा रजनी शाह लापता बताई जा रही है। संदेह जताया जा रहा है कि परीक्षा के परिणाम के डर से छात्रा ने दिखो नदी में छलांग लगाई है। वहीं घटना के बाद शिवसागर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नदी में किशोरी की तलाश कर रही है। हालांकि किशोरी के दोस्तों परिवार और अन्य लोगों आस पड़ोस के लोगों ने यह भी कहा है कि किशोरी मानसिक तौर पर काफी सबल थी, काफी समृद्ध थी, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह की घटना पर संदेह जताया जा रहा है।